दोस्तों ये देखिए, मैंने एक गिफ्ट पैक किया हुआ है। इसके अंदर मैजिक मिरर है और फिर मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पैकिंग की हुई है। और फिर मैंने कंट्रास्ट में ना फिर ये रिबन लगाया हुआ है ब्लू कलर का, और फिर रेड कलर की ये पन्नी है। तो फिर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये पैकिंग कैसी लगी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों अभी ना फिर सर्दी में मुझे थोड़ा आराम मिल चुका है, लेकिन अभी भी आवाज़ बदली बदली लग रही होगी। और फिर अभी तो खांसी आ रही है, और फिर ना अभी सुबह का अभी 8 बज रहा है, और फिर अभी तो मैं नहा नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर बाहर ना जो गाड़ी वाड़ी निकालते हैं और सफाई करते हैं वो सब मैंने कर दिया है। और फिर अभी मेरी वाइफ को ना फिर एक इमरजेंसी काम आ रहा है उनको थ्रेडिंग बनाने के लिए, तो वो अभी ना थ्रेडिंग बनाने जाएंगी। और फिर मैं तो अब चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि वो अगर ना थ्रेडिंग बनाने जा रही है तो मैं चल रहा हूँ खाना बना देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर ना अभी पहले सब्जी निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखलाते हैं कि आज क्या बनेगा। दोस्तों अभी मैं किचन में हूँ, और फिर ना आज हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि रीना तो अपना काम करने जा रही है, और फिर आज हम लोगों ने डिसाइड किया ये आलू बोड़ा की सब्ज़ी बनेगी, और ये फिर दाल बनेगा, चावल इसके अंदर चढ़ा दिया गया है, और ये रीना ये आ गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों मैं रोज़ रोज़ मैं खाना नहीं बनाता हूँ, तो फिर ना मैं थोड़ा अटक जाता हूँ कि क्या क्या सामान लगेगा। तो फिर ये मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, इसमें आलू है, और फिर थोड़ी सी अदरक है, मिर्चा है, और फिर प्याज है, जो जो मुझे काटना है मैं ये भूल जाता हूँ, तो फिर मैंने रख लिया है। और बोड़ा मैंने किचन में रख दिया धुलने के लिए। तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग ना 8:30 बज रहे हैं, और फिर अभी तो मैं खाने पीने की तैयारी कर रहा हूँ, और रीना जो है ना फिर अभी हम लोग ने इमरजेंसी में ये पार्लर खोल दिया हुआ है, एक दीदी आई हुई है, तो फिर रीना वो अंदर अभी तो उनका फेस नहीं दिखलाएंगे, ये बात आप ऐसे देख लीजिए। वो अभी थोड़ा सा उन्होंने खोल करके रीना अंदर है, वो बना रही है थ्रेडिंग। ये देखिए दोस्तों, मैंने ना फिर सब्जी को धुल करके रख दिया हुआ है, आलू छील दिए हैं, प्याज छील दिया है, और फिर इसमें मिर्चा भी ये देखिए धुला हुआ रखा है, चाकू आ गई है, अब बस ये इसको सब्जी को काटना है, और फिर सारा काम आज मैं कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। हेलो दोस्तों, ये देखिए ना फिर मैंने सब्जी काट ली है, और नमक ख़त्म हो गया था, ये देखिए रीना यहाँ पे नमक भर रही है। और रीना क्या क्या काम कर दी हो? मैंने दाल बना दिया है, आटा गून के रख दिया है, चावल भून के रख दिया है, बस चावल जब खाना होगा तो ये देखिए शायद दाल बन गई है। तो फिर ये देखिए दोस्तों, मेरे हस्बैंड अब सब्जी बना रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी टेस्टी सब्जी बनाते हैं, इसलिए आज सब्जी बनाने की बारी इन्हीं की है। दोस्तों फिर आज इमरजेंसी काम भी आ गया था, ये सुबह सुबह ना फिर थ्रेडिंग बना रही थी, तो मैंने सोचा ना कि मैं आज अपने हाथों का जादू दिखला ही देता हूँ। और फिर सारी सब्जियाँ इन्होंने काटी हुई है, ये सारी मेहनत मैंने की हुई है, ये मेरी मेहनत का फल है। अच्छा ठीक है, खाने के बाद पता चलेगा फिर टेस्ट कैसा है। ठीक है, मैंने जीरा डाल दिया है, ये अदरक डाल रहे हैं, तो फिर आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ पे इसको साबुन से अच्छे से धुल करके और इसे कपड़े से पोंछ करके यहाँ पे मैं रोटियाँ बेलती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ गाइस, तो फिर अब मैं चलती हूँ फटाफट रोटियाँ बना लूँ, क्योंकि हमें पार्लर भी ओपन करना है, हो सकता है शॉप में बीच में कोई सामान भी लेने आ जाए, तो हमें बीच बीच में जाना पड़ता है अपनी शॉप पर। तो फिर गाइस ओके।
दोस्तों ये देखिए ना, रीना अभी क्या कर रही है। वहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है और फिर ना रोटी जो है इनकी बहन वो सेक रही हैं, और फिर रीना अभी ये मंदिर की सफाई कर रही है। रीना चूहों ने काफी यहाँ पे कुछ रखा हुआ था सामान वगैरह पूजा पाठ का, तो चूहों ने देखिए कितनी बारीकी से इसको कुतरा है, ये इसी को मुझे साफ करने की जरूरत पड़ रही है। और ये जो दीवार है यहाँ से भी हमारा ये बालू वगैरह झड़ता है काफी ज्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि आज सफाई कर देती हूँ, काफी ज्यादा गंदगी हो गई थी। ठीक है, तुम सफाई कर दो और फिर खाना पीना नहीं खाना है। नहीं, सफाई करके फिर खाना खाएंगे। अरे कब खाओगे, अभी जब रहा खाने लेंगे तब। नहीं अभी करते हैं ना, ये भी तो जरूरी है, फिर समय नहीं मिलता ना दोपहर में। दोस्तों ये देखिए, जहाँ पे ये हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे रीना ने साफ कर दिया है, उसने कितनी अच्छी सफाई करी है, पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। और फिर दोस्तों ये देखिए यहाँ पे नारियल रखा हुआ है, हम लोग ना फिर क्या करते हैं अगरबत्ती खोसने के लिए नारियल का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, मैं रसेदार में सब्जी बना रहा था, तो मैंने इसको ना फिर सब कुछ कंप्लीट करके बस पकने के लिए चढ़ा दिया है। और ये बगल में यहाँ पर ये रोटी बन रही है। ये देखिए दोस्तों, अभी मंदिर रीना ने कितने अच्छे तरीके से साफ कर दिया हुआ है, और रीना अभी ये पूजा कर रही है। और फिर चलिए ठीक है, मैं रीना को मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, वो पूजा कर रही है, मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ मंजिल। तो ये देखिए, ये मैंने चाय चढ़ा दी है और फिर ये चाय बन रही है। और फिर ये देखिए, फिर मैंने सब्जी नमक कम, ये कहोगी तुम ना फिर। नमक कम है दोस्तों, नमक कम इन्होंने डाला है। नमक कम नहीं है वो, तो नमक तो बाद में भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी हाथ की बनाई हुई सब्जी खाने का टेस्ट करने का मन रहा होगा, इसलिए फिर तुम थोड़ा थोड़ा, अभी कच्चा ही है दोस्तों, देखिए इसे रहा नहीं जा रहा है और ये कच्चा ही खाए पड़ी है। मेरी सब्जी खाने उसका टेस्ट कर रहे थे दोस्तों, इन्होंने नमक कम डाल रखा था, इसलिए मैंने। नमक का कोई इशू, नमक का कोई इशू नहीं रहता है, नमक तो बाद में भी डाल देंगे। ये कहोगी ना तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर पहले ही खाने लगी। जी ऐसा नहीं है, मैं चख रही थी कि नमक और मिर्च पूरा बराबर है कि नहीं, पकते समय अगर डाल देंगे तो अच्छे से मतलब सब्जी का टेस्ट ही अलग रहेगा। चलो अच्छा, मुझे मालूम है मेरी हाथ की बनाई हुई सब्जी के लिए तुम कितनी पागल रहती हो। अच्छा हाँ। तो ठीक है, रोज आप ही बनाया करिए। दोस्तों ये देखिए, ये रीना बैठी हुई है और फिर आधा बैठा हुआ हूँ, मेरा चेहरा तो अभी देखने लायक नहीं है, अभी मैं बस अभी मैं नहाया नहीं हूँ, लेकिन मंजन कर चुका हूँ। और फिर हम लोग ये चाय पी रहे हैं, चाय में देखिए क्या है, मतलब चाय में तो चाय ही है, चाय में और क्या होगा, उसके साथ चाय के साथ ये बिस्किट है। और फिर रीना ये देखिए, जो उसको मन पसंद है वो खा रही है वो। ठीक है रीना, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है ठीक है, मेरे लिए कौन सा दूसरा आया हुआ है, कहाँ है ये? मैं नहीं खाता, ये मैं नहीं खाता, मैं हल्दीराम की लाल भुजिया खाता हूँ, मैं अपने पहले वाले ब्लॉग में मैं बता चुका हूँ। अभी आप शॉप पे गए थे ना, वहाँ पे क्यों नहीं लेकर? तो तुम तो मेरे लिए लेकर के आई थी ना, वो खत्म हो गया। तो ठीक है ठीक है। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, खाना हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है, अब ये गए हुए हैं मेरे हस्बैंड शॉप खोलने के लिए, यानी पार्लर खोलने गए हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ जब तक खाना बन के कम्प्लीट हो चुका है और जो बर्तन निकले हुए थे वो मैंने धुल लिया है, ये आप देख, खाना हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है और मैंने पानी भर के ढाँक दिया है, ये पानी मैंने भर के ढक दिए है। और फिर जो हमारा नाश्ता का बर्तन था वो सारे मैंने धुल करके रख दिए हैं, और ये देखिए। और दोस्तों दोपहर में मुझे समय नहीं मिलता है, तो जब तक ये दुकान खोल रहे हैं, यहाँ पे चूहों ने काफ़ी आतंक मचा के रखा है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये देखिए। यहाँ पे जो हमारा सारा सामान है खाने पीने का जो रखा रहता है, ये देखिए, चूहों ने काफ़ी यहाँ पे गंदगी भी की है, और फिर
ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। इन्होंने हो सकता है कि डब्बों को भी काटा हो, क्योंकि काफी मेरे 3-4 डब्बे उन्होंने काट डाले हैं, काट करके अंदर का सामान जो उसमें रखा हुआ था वो। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इधर की मैं सफाई कर दूँ, क्योंकि गंदगी मुझे पसंद नहीं, और फिर चूहे देखिए कितने ने कितना सारा गंदगी चूहों ने किया है, सारा सामान मेरा वेस्ट कर दे रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये डब्बे में कुछ सामान था, शायद मटर वगैरह, तो उन्होंने इसको काट करके खा लिया, उसका छिलका छिलका बचा हुआ है। ये देखिए, तो और भी मैं देखती हूँ इधर, इन्होंने काटा क्या है। ये आप देख सकते हैं गाइस, इस डब्बे में मैंने थोड़ा सा बाजरा रखा हुआ है। जब सर्दी का मौसम था तो फिर उस टाइम पे हम लोग इसकी इसको पिसा करके पिसवा करके इसकी रोटी भी बना के खाते थे। सर्दियों में खाना काफ़ी फायदेमंद रहता है, तो हमने ये ख़रीदा हुआ था। और ये देखिए, यहाँ पे चूहे ने काट करके यहाँ पे बजरा ये फैला रखा है। ये देखिए, चूहे ने डब्बे तक काट डाला है उसको खाने के लिए। और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि उन्होंने क्या क्या नुकसान किया है, फिर उसके बाद में यहाँ से सफाई शुरू करूँगी। ये देखिए गाइस, ये चूहों का कमाल है। ये आप देख रहे हैं, इस पे मैंने ये चना रखा हुआ था, तो चूहे महाराज चने सारा खा गए हैं लगता है। अब मैं खोल करके इसे चेक करूँगी। एक्चुअल में रहती हूँ मैं, शॉप भी मुझे देखना होता है, पार्लर भी, तो फिर उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं बीच बीच में आ करके यहाँ पे चेक करती हूँ कि चूहे क्या नुकसान कर रहे हैं। देख सकते हैं आप ये हालत। और दूसरा भी मैं देखिए, मैंने कहा ना कि वो लोग मटर ही खा रहे थे, और सेकंड आप देख सकते हैं ये मटर है, और फिर चूहे ने यहाँ पे भी छेद कर रखा है, और यहाँ से उन्होंने मटर निकाल करके खूब खाई है। तो फिर के लिए मुझे कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि वो डब्बे भी काट डालते हैं चूहे, और मुझे स्टील का कंटेनर खरीदना पड़ेगा ये सारे सामान को रखने के लिए। देखिए, तो मेरे सामान का नुकसान तो होता ही होता है, साथ ही यहाँ पे चूहे हमारा काफी टाइम भी खराब कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, और फिर देखिए ना, जो मैंने सब्जी बनाई हुई थी ये बोड़े की, बोड़ा और आलू की, ये बन गई है। और फिर दोस्तों देखिए ना, फिर ये लोहे कढ़ाई में बनाने की वजह से ना, फिर ये जो काली हो जाती है, यही मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, लेकिन इसमें जो ये कालापन है वो आयरन की वजह से है, और ये हम लोग की सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है।